मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। आज डॉक्टर्स एसोसिएशन की उनके तीनों आयुन और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की गुफ्तगू चल रही थी। ममता शाह जी का फ़ोन आया कि सब जमा है, आप आ सकते क्या? मैं थाना में था तो मैं आके उनसे मुलाकात किया, बट खुशी भी उनसे मिलने से, जो हकीकत में वॉरियर्स थे कोविड और बाकी के मसलों में भी हमेशा मुमरा में हेल्थ और इश्यूज़ को रेज करके खिदमत करते रहते, बट अफसोस हुआ है बहुत उनकी बातें सुन के कि 15 साल के अंदर हालात सुधरने की जगह खस्ती होते गई। सरकार की एम्बुलेंस यहाँ के आमदार मंत्री बनने के बाद बंद हुई, इनके रजिस्ट्रेशन के मसले अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, इनके पास आवाज़ नहीं, इनको सेंटर्स चाहिए वो नहीं है, अलग अलग इश्यूज, डेथ सर्टिफिकेट के मामले में कोई सुनवाई नहीं, उनको कम्युनिटी हॉल की डिमांड थी वो अभी तक 100 बार वादा करके पूरा नहीं हुआ है, तो बहुत से उन्होंने मुद्दे रखे और उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेशन से रिलेटेड ये वो, तो उनको हमने बताया कि भी आचार संहिता है, इंशाल्लाह ये सब मुद्दों के ऊपर ज़रूर हम आपका साथ देंगे और इंशाल्लाह आने दिनों में मुलाकात करेंगे। मेन उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर रास्ता निकालने के लिए हमारा मशवरा हो चुका है और आफ्टर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हमें हेल्थ डिपार्टमेंट TMC और इनके साथ में मैं इनिशिएटिव लेके हम मीटिंग करेंगे और वो मसला हल करेंगे। बेशक जो यहाँ विकास की बात कर रही है, एंड में तो जो भी मसले हैं उसका असर तो आवाम के ऊपर आ रहा है, असर सहूलत आवाम ही उसकी इससे दूरी है सहूलत से, तो बेसिकली जब आवाम उससे दूर है, कोई सहूलत नहीं मिल रही है, ये दे नहीं पा रहे, तकलीफ़ हो रही है, तो जो रहनुमा बन के हमारे कौम के मिल रहे हैं, तो मेरे आवाम से दरख्वास्त है कि तब्दीली अभी आनी ही चाहिए, हमको हमारे बहुत से मसले जो हल करना है, जो गुमराह करते स्टेज पे भाषण करते घूम रहे सिर्फ बीजेपी, तो मेरी दरख्वास्त है कि मुद्दों को हटा के अपनी खामियों को छुपाने का, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम है। आज डॉक्टरों से मुंह से सुन के ये यकीन हो, आचार संहिता के बाद बेशक सहूलत मिलेंगी, ये कोई आमदार साहब ने उद्घाटन किया, बट ये पैसा उनका नहीं है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए हम कमिश्नर साहब के पास मिल के इंशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा और मुमरा कलवा की आवाम ने जीत दी, मौका दिया खिदमत का, तो बेशक यहाँ आयुक्त साहब को और सब डिपार्टमेंट को बुला के मीटिंग करेंगे और यह हॉस्पिटल जो शक्ल में नगर सेवक होते हुए हमने इसको जो मंजूर दिया था, इसकी मंजूरी प्लानिंग 2009 के पहले की है, अवार्ड साहब के आने के पहले हम थे कॉरपोरेटर्स, जबी की है, तो जो सपना हमारा था बेशक वो सपना मुकम्मल करेंगे। मुमरा कौसा शहर में 300-350 डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ 4-5 डॉक्टर ही डेथ सर्टिफिकेट देते, क्या कारण? बाकी के उनके मसले है, डेथ सर्टिफिकेट के अंदर जो सिस्टम चलनी चाहिए वो सिस्टम नहीं चल रही है, उसके वजह से कुछ तकलीफें हैं, उनकी कुछ दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें पूरी कैसी हो, उस चीज़ के लिए मैंने कहा ना आचार संहिता के बाद मीटिंग लगाई।